बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल जुबैर टेक सोलो सोर चैनल की जानिब से आपको वेलकम करता हूँ। CS304 GDB सॉल्यूशन स्प्रिंग 2023। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट का ये GDB सॉल्यूशन परफेक्ट सॉल्यूशन है जी आपके लिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सिनेरियोस हमें लें, उसको हम फिर सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, ईबे आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ी ऑनलाइन वेबसाइट है, ऑक्शन एंड शॉपिंग वेबसाइट है। द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट इज इनहांस द वेबसाइट विद द डेवलपमेंट ऑफ एन ई कॉमर्स मॉड्यूल, मतलब मॉड्यूलर। यही सारी कहानी थी, यहीं से आपको आइडिया लेना है। अगर आप GDB का टॉपिक समझ लिया करें ना, तो उसको बनाना बड़ा आसान हो जाता है, उसे सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाता है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, वेबसाइट विद द डेवलपमेंट ऑफ एन ई कॉमर्स मॉड्यूल, मॉड्यूलर, इसका मतलब सॉफ्टवेयर जो है वो मॉड्यूलर है। फॉर मोबाइल एप्स एंड एक्सेसरीज द प्लेटफॉर्म नीड टू हैंडल यूज़र रजिस्ट्रेशन, प्रोडक्ट लिस्टिंग, शॉपिंग कार्ट मैनेजमेंट, पेमेंट प्रोसेसिंग एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट। अब मैं सादा अल्फाज में आपको बात समझाता हूँ। हम ई बे साइट के अंदर एक नया मॉड्यूल ऐड करना चाह रहे हैं ई कॉमर्स का। उसमें हो क्या, दी प्लेटफॉर्म नीड टू हैंडल यूज़र रजिस्ट्रेशन, वो यूज़र की रजिस्ट्रेशन भी करे, प्रोडक्ट लिस्टिंग भी करे, शॉपिंग कार्ट मैनेजमेंट भी करे, पेमेंट प्रोसेसिंग एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट भी करे। ये बात तो यहाँ पे समझ आ गई। बेस्ड ऑन दी अबव सिनेरियो प्लीज़ शेयर योर इनसाइट ऑन विच प्रोग्रामिंग पैराडाइम यू बिलीव वुड बी मोर अप्रोप्रिएट फॉर डेवलपिंग द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ऊप और प्रोसीजरल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और प्रोसीजरल। अब हमें पता है कि एक साइट है, वेबसाइट है, जो कि मॉड्यूलर है, और उसमें कुछ रिक्वायरमेंट हमने फुलफ़िल करनी है। अब हमने बताना ये है कि क्या हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टाइल यूज़ करेंगे या प्रोसीजरल स्टाइलिंग यूज़ करेंगे। चलें जी, आप सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये सर की बातें होती हैं जो कि आपने देखनी सुननी होती हैं। अच्छा जी, बेस्ड ऑन दी सिनेरियो, जो सा कि हमें सिनेरियो दिया गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वुड बी द मोर अप्रोप्रिएट फॉर डेवलपिंग द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। क्यों भाई, क्या वजह है कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़ करने लगे हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अलाउ फॉर मॉडलिंग कम्प्लेक्स सिस्टम, जितने भी ईबे बहुत कम्प्लेक्स साइट है, बहुत कम्प्लेक्स साइट है। प्रमोट्स स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी अगर आपने साइट में इजाफा करना, जैसे इस वक्त हम कर रहे हैं, हम एक नया मॉड्यूल ऐड कर रहे हैं उसमें ई कॉमर्स का। स्केलेबिलिटी थ्रू मॉड्यूलर डिज़ाइन, जो बात सर कह रहे थे यहाँ पर पूरी हो गई। और ये मॉड्यूलर डिज़ाइन सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ही है, ये प्रोसीजरल में नहीं है। एंड इनहांस मेंटेनेबिलिटी विद ऑर्गेनाइज्ड एंड इनकैप्सुलेटेड कोड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एम्फेसिस ऑन कोड रीयूज एंड इनहेरिट सपोर्ट एफिशिएंट डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, कंसीडरिंग द प्लेटफॉर्म रिक्वायरमेंट ऑफ यूजर रजिस्ट्रेशन, प्रोडक्ट लिस्टिंग, शॉपिंग कार्ट मैनेजमेंट, पेमेंट प्रोसेसिंग एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोवाइड द नेसेसरी स्ट्रक्चर एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू हैंडल दीज फंक्शनैलिटीज इफेक्टिवली। ये था जी आपका सलूशन। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। CS519, CS619 फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप, और LMS हैंडलिंग के लिए भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई GDB असाइनमेंट्स, व्हाट्सएप नंबर मेरा गिवन है। तो ये आपने इसको रीराइट करना है, रीफ्रेज करना है, अपने अल्फाज में लिख देना है, और आपका GDB तैयार है। 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें लिखी हैं, आप इसे 5 लाइनों पे कन्वर्ट कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ये व्हाट्सएप नंबर है जी। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।